ईबीसी दुनिया में आज देखिए, वुहान में कोरोना लॉकडाउन के 2 साल, अब कैसे हैं चीन के हाल। चीन जहां आए थे कोरोना के शुरुआती मामले, वहां लोग अब क्या सोचते हैं, क्यों 2 साल बीत जाने के बाद भी वहां के कई हिस्सों में पाबंदियों में रहने को मजबूर हैं लोग। जर्मनी में कोरोना नियमों को लेकर क्यों फूट रहा है लोगों का गुस्सा, बताएंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। वुहान से लेकर जर्मनी तक कोरोना को लेकर कैसा है लोगों का रुख, इसके बाद कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली सुधार, बीते 24 घंटे में आए संक्रमण के लगभग 3,06,000 मामले, कल के मुकाबले लगभग 27,000 केस कम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया, जरूरी नहीं कि ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट साबित हो, साथ ही कहा कोरोना महामारी खत्म हो रही है ये मानना बिल्कुल गलत। अमेरिका को आशंका, यूक्रेन पर रूस कर सकता है हमला, अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। ब्रिटेन ने कीव स्थित अपने अपने दूतावास से स्टाफ को निकलने के लिए कहा, रूस यूक्रेन सीमा से बीबीसी की खास रिपोर्ट। ओस्लो में तालिबान और पश्चिमी देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत के विरोध में कई अफगान नागरिकों का विरोध प्रदर्शन, पश्चिमी देशों की अपील, मानवाधिकारों का सम्मान करे तालिबान, तालिबान की मांग फंड रिलीज करे अमेरिका और यूरोपीय देश। दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी भारत की स्मृति मंधाना, आईसीसी ने चुना विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। साल 2020 में वुहान में आया कोरोना वायरस का पहला मामला और आज भी दुनिया उसे उबर नहीं पाई है, लेकिन वुहान समेत चीन में कितनी बदल गई है लोगों की जिंदगी, क्यों नहीं मिल रही लोगों को पाबंदियों से आजादी, क्यों बढ़ रही है चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना से जुड़े नियमों को लेकर नाराजगी, इसकी चर्चा कवर स्टोरी में। अब से 2 साल पहले चीन ने 1 करोड़ की आबादी वाले वुहान शहर में लॉकडाउन लगा दिया था। मकसद था तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को रोकना, जहां से वो पहली बार सामने आया था। चीन के इस कड़े कदम को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। वुहान उस वक्त भूतों के शहर जैसा लग रहा था। सड़कों पर लोग नहीं थे, स्वास्थ्यकर्मी ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोटेक्टिव गियर यानी सुरक्षात्मक कपड़ों में ढके हुए थे। ऐसी तस्वीर कोरोना महामारी से पहले नहीं देखी गई थी। जनवरी के अंत से जून तक ये शहर देश के बाकी हिस्से से लगभग अलग थलग सा कर दिया गया था। हालांकि बाद में पता चला कि कोरोना हजारों लोगों को संक्रमित तब तक कर चुका था, लेकिन जल्द ही कोरोना पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैल गया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग कदम उठाए। दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन तब आम सी बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सख्त लॉकडाउन लागू किया, न्यूजीलैंड ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान भी था, इसलिए स्वीडन जैसे देशों ने तुरंत सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए। अब एक बार फिर चीन में सख्ती बढ़ी है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अगले महीने चीन विंटर ओलंपिक की मेजबानी करने वाला है, जिसके लिए चीन कड़े प्रतिबंधों के साथ साथ जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांट की यह रिपोर्ट। 27 दिनों तक चले लॉकडाउन में वो सिर्फ अपने अपार्टमेंट तक ही सीमित रह गई थीं। हेलो। सेनलिन उन करोड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्हें अभी भी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए नियमों का पालन करना पड़ रहा है। जब वुहान में कोरोना पहली बार फैलना शुरू हुआ था तो देश को अचानक आई महामारी से निपटने का अनुभव नहीं था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सेनलिन शियान में रहती हैं, वो शहर जो अपनी टेराकोटा वॉरियर्स की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक लोगों की आम सी जिंदगी में यहाँ अब ठहराव आ गया है। हालांकि हाल की कुछ घटनाएं बताती हैं कि कुछ लोग कड़े नियमों से तंग आ चुके हैं। शियान के कंपाउंड में कुछ लोगों की पुलिस से भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद उन्हें 35 दिनों तक लॉकडाउन में रहना पड़ा। फिर कुछ लोगों को वहां से ले जाया गया। कोरोना ने लोगों की जिंदगियों को आर्थिक हालात और मनोवैज्ञानिक तौर पर कितना प्रभावित किया है, इसका पूरा आकलन करना मुश्किल है। ये कोशिशें नए कोरोना संक्रमण के कुछ हजार मामलों को फैलने से रोकने के लिए की जा रही हैं। और आधिकारिक तौर पर जारी नए संक्रमण के मामलों को देखें तो लगता है कि ये काम कर रहा है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस सप्ताह की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के वापस पटरी पर लौटने की बात करते हुए कहा था कि वो इसकी प्रगति को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो क्या अब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी एक न्यू नॉर्मल हो रही है? हाँ, कुछ समय के लिए और लगातार नियम लागू किए जाते हैं, लेकिन अब बड़ा शटडाउन नहीं हो रहा है। चीन के लिए ये काम कर रहा है। चीन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ये सभी गतिविधियां अलग की जा सकती हैं। इसलिए जीरो कोविड नीति का एक मतलब समझ आ रहा है। लेकिन इस महामारी से निपटने के अलावा और भी कई दिक्कतें इस देश के सामने हैं। भारी कर्ज, एक लड़खड़ाते प्रॉपर्टी मार्केट के साथ साथ बढ़ते कोविड मामलों को रोकने के लिए अतिरिक्त चौकसी बरतने जैसी बाधाएं भी इसके सामने हैं। एक वैज्ञानिक सर्वे करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नजर आता है कि कोविड पर सरकारी नीतियों को लेकर लोगों का भारी समर्थन है, क्योंकि ये आपको दिखाया जाता है। ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन कोई भी एक बड़े सवाल का जवाब नहीं जानता है कि ये कब तक चलने वाला है। मुझे लगता है कि शंघाई में महामारी पर नियंत्रण अच्छे से पाया गया है। सरकार बड़े आंकड़े के जरिए संक्रमित और उनके करीबी कॉन्टैक्ट्स का तेजी से पता लगाती है। लॉकडाउन के नकारात्मक असर काफी बुरे हैं, लोग परेशान हैं। दो सालों से सीमाएं पूरी तरह बंद हैं, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ही आ और जा पा रही हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जीरो कोविड के वादों को लेकर काफी प्रतिबद्ध दिखते हैं। ओलंपिक आयोजन की रेस में चीन ने खुद को सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर भी पेश किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय डाक देश का नया दुश्मन बनकर पैदा हुई है। इस सप्ताह बीजिंग में प्रशासन ने दावा किया था कि कनाडा से आया एक पैकेज अपने साथ ओमिक्रॉन भी लाया था। दूसरे शहर में हमने उनसे संपर्क किया जिन्हें विदेश से एक डिलीवरी मिलने के बाद घर में ही रहने का आदेश दिया गया और उनके दरवाजे को सील कर दिया गया। वो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं। वो बुरी तरह परेशान थीं। उन्होंने हमें एक टेक्स्ट मैसेज में लिखा कि ये महामारी को काबू करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन मानवाधिकारों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं पूरे जर्मनी में कोविड टीकाकरण के खिलाफ दसियों हजार लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें नाराजगी है हर हफ्ते लगने वाले कोविड प्रतिबंधों और जरूरी वैक्सीन के नियमों को लेकर। तो वहीं लगातार तेज होते प्रदर्शन, ऑनलाइन हेट स्पीच और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर अधिकारियों की चिंता बढ़ रही है। देखिए बीबीसी संवाददाता जेनी हिल की रिपोर्ट। हर सप्ताह दसियों हजार जर्मन लोग यूं सड़कों पर उतरते हैं। वो कोविड महामारी की वजह से लगे पाबंदियों से थक चुके हैं। वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। बियॉन ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है। वो बताते हैं कि लोगों में नाराजगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम जो जानते हैं और मीडिया के जरिए जो हमें पता लगता है उसमें अंतर है। ये फर्क मुझमें शक पैदा करता है। वास्तव में इन लोगों का ये ग्रुप आपस में काफी अलग है, लेकिन अधिकारियों के प्रति अविश्वास उन्हें आपस में जोड़ता है और कईयों के लिए ये उससे भी ऊपर है। वो सोचते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक, राजनेता, पत्रकार आपस में कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें ये बताया जाता है कि राजनेता या फिर मीडिया प्रसारक उनसे क्या छिपा रहे हैं। कोरोना ने जर्मन समाज को बांट दिया है। बिना कोरोना टीका लगवाए लोगों के रेस्तरां और गैर जरूरी दुकानों में जाने की मनाही है। वहीं राजनेता अनिवार्य टीकाकरण पर विचार कर रहे हैं। विरोध की आवाजें तेजी से डरावनी और हिंसक होती जा रही हैं। हाथों में मशाल लिए इन प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय राजनेता पेट्रा कोपिंग के घर को निशाना बनाया। बेशक ये निराशाजनक है। आप ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश करते हैं जो महामारी में लोगों की रक्षा करे, लेकिन वो नाराजगी और हिंसा में बदल जाती है। हमें उन आयोजकों के बीच स्पष्ट अंतर करना होगा जो दक्षिणपंथी, चरमपंथी विचारधारा रखते हैं और समाज को बदलना चाहते हैं और टीकाकरण नीति की परवाह नहीं करते, और वो लोग जो उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। राजनेताओं और जाने माने लोगों के खिलाफ ऑनलाइन पर धमकियां अब आम है। ज्यादातर जर्मन लोग इन प्रदर्शनकारियों को अल्पसंख्यक समझकर खारिज करते हैं, लेकिन असंतोष की आवाज हर गुजरते वक्त के साथ तेज होती जा रही है। कहीं वैक्सीन का विरोध तो कहीं टीकाकरण बढ़ाने को लेकर फिक्र बढ़ रही है। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ी युद्ध की आशंका, बढ़ी दुनिया की फिक्र भी। बीबीसी दुनिया में भी बहुत कुछ है, बाकी बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और खबर रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों की सीमा पर फौज की तैनाती बढ़ गई है। तनाव बढ़ा और अब दुनिया की फिक्र भी बढ़ गई है कि कहीं इसका अंजाम युद्ध ना हो, खासतौर पर अमेरिका को। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस जाने से बचने की सलाह दे दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और नेटो ने फाइटर जेट्स और लड़ाकू जहाज पूर्वी यूरोप में भेजने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूसी फौज के जवाब में नेटो ने यह कार्रवाई की है। युद्ध की आशंका से रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई है इधर, और वहां के स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आई है। और ये सब तब शुरू हुआ जब हाल ही के कुछ महीनों में रूस ने धीरे धीरे करके यूक्रेन की सीमा पर अपने 100,000 सैनिक जमा कर लिए। यहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों के भी बड़े बड़े कैंप देखे गए हैं। साथ ही क्राइमिया प्रायद्वीप पर भी सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। साल 2014 में जब यूक्रेन में रूस समर्थित राष्ट्रपति को मजबूरन गद्दी से हटना पड़ा था, तब रूस ने हमला करके क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। पिछले सप्ताह ही रूसी सैनिक बेलारूस का रुख भी करने लगे हैं। अगले महीने बेलारूस के साथ रूस एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस की इन सैन्य गतिविधियों से इलाके में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि उसने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर लिया है। रूस से तनाव के मद्देनज़र अमेरिका ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपने नागरिकों से फौरन देश छोड़ने को कहा है, और अपने एम्बेसी स्टाफ को भी वहां से अमेरिका ने निकालना शुरू कर दिया है। इधर रूस ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और उल्टे अमेरिका और नेटो पर लड़ाई का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस को आगाह किया है कि अगर उसने यूक्रेन में घुसने की हिमाकत की तो उसे इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए यूक्रेन सीमा पर बने इस तनावपूर्ण माहौल पर बीबीसी की खास रिपोर्ट। रूस में सत्ता के गढ़ क्रेमलिन की दीवारों के पीछे जो भी योजनाएं बन रही हों, लेकिन यूक्रेन के मामले में पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा है कि अगर रूस हमला करता है तो उसका एकजुट होकर करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले से न केवल यूक्रेन बल्कि विश्व शांति दांव पर लगी है। ये वास्तव में वैश्विक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ मूलभूत सिद्धांत दांव पर हैं, जो कि यूरोप में दशकों से सुरक्षा और शांति कायम रखने में मदद करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस के संभावित हमले के मद्देनजर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कीव में मौजूद अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय पश्चिम के लिए बिल्कुल अलग ढंग से सोचने का है। व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि वो बिना ज्यादा जद्दोजहद के अचानक अभियान छेड़कर अपना उद्देश्य हासिल कर लेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम में हमें और रचनात्मक ढंग से सोचने की जरूरत है। हमें कुछ नए दांव खेलने होंगे। हमें यूक्रेन को समुद्री और हवाई सुरक्षा मुहैया करानी होगी। ब्रिटिश खुफिया सूत्र अभी से यूक्रेन के नेता येवहेन मुराएव का नाम ले रहे हैं, जो रूस के लिए यूक्रेन में कठपुतली सरकार बना सकते हैं। हालांकि मुराएव ने इसे खारिज करते हुए इसे साजिश बताया है। मैं आज तक उन लोगों से कभी भी नहीं मिला जिनके बारे में यूके खुफिया एजेंसियों का कहना है कि वो मेरी सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आज तक व्लादिमीर पुतिन से और मेरी काल्पनिक सरकार के आधे लोगों से नहीं मिला। लेकिन ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत का कहना है कि पुतिन कठपुतली सरकार चाहते हैं और रूसी शासन को केवल पश्चिमी सहयोगी देशों के प्रतिबंधों से रोका नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि वो इस धारणा पर काम कर रहे हैं कि पुतिन कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। वो कई चीजों को दांव पर लगा रहे हैं। हर कोई इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, वो भी जो अपने सैनिकों को भेजने का सोच रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? रूस अभी भी किसी भी हमले की योजना को खारिज कर रहा है और वो यूक्रेन को नेटो से बाहर रखने का सौदा करना चाहता है। वहीं यूक्रेनी नागरिक अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना चाहते हैं। अब सभी की निगाहें आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत पर लगी हैं, जो भविष्य की यूरो अटलांटिक सुरक्षा को नया रूप दे सकती है। इस बीच रूस ने मांग की है कि नेटो फौरन अपने फाइटर जेट उस इलाके से हटाए और यूक्रेन में और सेना भेजने से बच जाए, वरना इलाके में तनाव और बढ़ेगा। वहीं अमेरिका ने कहा है कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी रूस की है, नाटो की नहीं है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भीख मांगने वालों को मिल रही है जीने की एक नई राह। ये देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। सड़क पर भीख मांगने वाले भी काम कर पाएं, अपने दम पर जिंदगी जी सकें, इसके लिए एक पहल की जा रही है। उन्हें ट्रेनिंग देकर नए स्किल सिखाए जा रहे हैं। दिल्ली में इसके लिए एक पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। क्या लोगों की जिंदगी इससे बदल रही है? देखिए बीबीसी संवाददाता बुशरा शेख की रिपोर्ट। 25 साल के संजय कुमार एक साल पहले मध्य प्रदेश के रीवा शहर से दिल्ली काम की तलाश में आए थे, लेकिन स्टेशन पर उनका सामान चोरी हो गया। काम न मिलने पर भीख मांगने लगे, लेकिन अब संजय को थोड़ी उम्मीद दिख रही है। मैं यहाँ पे आया, अभी पेंटिंग का काम सीख रहे हैं। अभी एक दो पर्सन यहीं गए थे बगल में काम पे, खुशी हुई थी कि हमारे पास भी पैसे आने लग गए हैं। मैंने भी जो काम किए तो फोन लिए, घर पे भी उसे कॉलिंग करने लग गए, नहीं तो पहले फोन भी नहीं था, कुछ भी था, कुछ वोटर लिस्ट भी बन गया, उससे सिम लिए अभी। दरअसल दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग भिखारियों के पुनर्वास के लिए योजना लाया है। इस योजना के तहत भिखारियों को आत्म सक्षम बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत भिखारियों को दीवारों की पुताई का काम सिखाया जा रहा है। खुशी होती है कि कुछ तो है, कर सकते हैं। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैं 400 रुपए का काम करके आया हूँ। अगर आंकड़ों की बात करें तो समाज कल्याण विभाग और मानव विकास संस्थान के अनुसार फरवरी महीने तक दिल्ली में 20,719 लोग भीख मांग रहे थे। संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भीख मांगने वाले पुरुषों की संख्या 10,000 से ऊपर है, वहीं 9,000 से ज्यादा महिलाएं भीख मांग रही हैं, और इनमें 191 ट्रांसजेंडर है। इस योजना के तहत पुताई का काम सीख रहे लोगों की भिखारी बनने की अपनी अपनी कहानी है। दिल्ली में 1997 में आया था, मेरे को यहाँ 25 साल हो गए हैं जी। मेरे माता पिता की डेथ हो गई थी और मैं, मेरे घर में मतलब कोई था नहीं मेरी केयर करने वाला। अगर मैं घर पे रहता, अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं अकाउंटेंट बनना चाहता था। 100 बंदे हमारे को रोड पे मिलेंगे तो 10 ही वाकफ हमारे होंगे, जो हमारे को कहेंगे हाँ बेटा पानी पी ले, बेटा खाना खा ले। 90 तो ऐसे होंगे जो कहेंगे खड़ा हो जाए यहाँ से, चल आगे भाग, अरे बड़ी बदबू आ रही है इसमें से। सरकार की इस पहल को सकारात्मक कदम माना जा सकता है, साथ ही ये योजना इन्हें भविष्य के लिए एक दिशा देने में मदद कर सकती है। बुशरा शेख, बीबीसी हिंदी। कई लोग सीख रहे हैं जीने का नया तरीका, और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @bbcsarika पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही।